Hello everyone, welcome to DSS Online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to start chapter 1 that is, Development of Computers. Our first topic is Early Calculating Devices. The computers you see today were not like this in the early stages of their development. They were very basic and difficult to operate. They mostly existed. इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जस्ट लाइक हिस्ट्री ऑफ व्हील दे आल्सो वेंट थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रीज द प्रेजेंट फॉर्म आज हम चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वॉट इज द नेम ऑफ चैप्टर चैप्टर नेम इज़ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटरों का विकास फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसिस मीन्स प्रारंभिक गणना करने वाली डिवाइसेस जो कंप्यूटर आज आप देखते हैं वो उन कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में वैसे नहीं दिखते थे वे कंप्यूटर्स बहुत ही बेसिक होते थे और उनको ऑपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनको ऑपरेट करना बहुत इजी ईजी होता है कोई भी इजली ऑपरेट कर सकता है बस उसको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज हो लेकिन तब के जो कंप्यूटर्स थे उनको ऑपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था वे जनरली वे जनरली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के फॉर्म में होते थे जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री ऑफ व्हील वैसे ही कंप्यूटर्स को भी अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए कई सालों का समय लगा जैसे व्हील को अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में जैसे व्हील को अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए कई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ा और कई सालों का समय लगा अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए वैसे ही जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनको भी अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ा और कई सालों का समय लगा लेटस सी हाउ द कंप्यूटर्स प्रोग्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द अबाकस इस्टेज टू द मॉडर्न कंप्यूटर चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये कंप्यूटर्स अबाकस स्टेज से मॉडर्न कंप्यूटर तक आए क्या क्या प्रोग्रेस हुआ कितना टाइम लगा कैसे कैसे अबाकस से हम मॉडर्न कंप्यूटर तक पहुँचे सो आर सेकेंड टॉपिक इज अबाकस अबाकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेसन्स अबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसका इन्वेंशन हुआ था कैलकुलेसंस करने के लिए इट इज़ अबाउट फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड और अबाकस लगभग पाँच हजार साल पुराना है इट वॉज इन्वेंटेड बाई इजिप्सन्स बट इट्स यूज वॉज परफेक्टेड बाई द चाइनीज वैसे तो इसको इन्वेंट किया था इजिप्ट के लोगों ने लेकिन इसके यूज़ को परफेक्ट किया चाइनीज ने एन अबाकस कंजेस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम फिटेड विथ रॉड्स द रॉड्स है बिट्स विच कैन स्लाइड अलॉन्ग द रॉड्स द अपर पार्ट इज कॉल्ड द हेवन एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द अर्थ लुक एट हियर दिस इज अबाकस अबाकस एक वुडन फ्रेम का बना होता है जिसमें रॉड्स लगे होते हैं और इन रॉड्स पर बिट्स लगे होते हैं और इन बिट्स को हम ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं इस अबाकस के अपर पार्ट को हम कहते हैं मीन्स कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेवन और जो इसका लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं अर्थ ओके इट इज यूज टू काउंट एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय मूविंग द बिट्स अप एंड डाउन इसकी हेल्प से हम काउंट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बस हमें क्या करना रहेगा बिट्स को अप एंड डाउन करना रहेगा और इन बिट्स को कैसे अप एंड डाउन करते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा कैसे एडिशन होगा कैसे सब्ट्रैक्शन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे ओके क्विक क्विज व्हेन देयर वर नो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हाउ डिड पीपल काउंट जब कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी तो लोग कैसे काउंट करते थे ये आपको बताना है ओके okay?